भारत को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो सबसे अहम किरदार विराट कोहली का होगा। विराट मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और यहां तक कि T20 क्रिकेट में उन्हें कामयाबी मिली है। लेकिन हालिया सालों में भारत ने यह देखा कि विराट वर्ल्ड T20 में जाकर रन बनाते थे, भारत जीत नहीं पाता था। कमी भारत के बाकी खिलाड़ियों में भी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के बाद यह तय किया गया कि अब शायद विराट और रोहित के बिना युवा बल्लेबाजों के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन टूर्नामेंट से ठीक कुछ महीने पहले भारत ने यह तय किया कि नहीं, हमें विराट और रोहित दोनों की जरूरत है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैच विनर विराट कोहली है। अब विराट की स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सवाल थे। विराट ने खुद माना कि उन्हें स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत थी। विराट ने इस IPL में उसका सबूत भी दिया, उन्होंने स्पिनर्स को अटैक किया और पावर प्ले में उनकी कामयाबी को देखकर अब सवाल यह है कि क्या विराट और रोहित को भारत के लिए वर्ल्ड कप में ओपन करना चाहिए। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब विराट के बल्ले से ही आएंगे। सही मायनों में विराट की व्याख्या पाकिस्तान वाले ही कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले ही करते हैं। भूले तो नहीं होंगे मेलबर्न की वो शाम जब पाकिस्तानियों पर बरस पड़े थे विराट, भूले तो नहीं होंगे हैरिस राउफ पर वो स्ट्रेट सिक्स जिसे देखकर दंग रह गई थी पाकिस्तानी टीम, भूले तो नहीं होंगे उस असंभव को विराट ने कैसे संभव कर दिखाया था, कैसे हार के जबड़े से जीत छीन ली थी। मगर पाकिस्तान ही क्यों, उस वर्ल्ड कप में विराट ने सारे विरोधियों को रगड़ा। भूल जाती हैं सारी बातें क्योंकि भारत वो वर्ल्ड कप हार गया, मगर उस अभियान में विराट अलग ही दिखे थे। पिछले वर्ल्ड कप में 6 मैचों में विराट ने 296 रन बनाए, उनका औसत रहा 98.66 का और स्ट्राइक रेट 136 का। माना कि खिताब इंग्लैंड के सिर सजा, लेकिन विराट ही रहे रनों के राजा, उनसे ज्यादा रन किसी और के न थे। मगर ऐसा नहीं कि यह पहली दफा था, वनडे के ब्रैडमैन ने T20 में भी अपना रुतबा बुलंद ही रखा है। 2012 से विराट T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अपने करियर के पहले एडिशन में 5 मैचों में उनके नाम 185 रन थे, औसत था 46 का और स्ट्राइक रेट 123 का। 2014 में विराट रनों के मामले में दुनिया में सबसे आगे रहे, उन्होंने 6 मैचों में 319 रन बनाए, उनका औसत रहा 106 का और स्ट्राइक रेट 129 का। 2016 में विराट इस कदर बरसे कि अपने दम पर टीम को सेमीफाइनल तक ले गए थे, तब उन्होंने 273 रन बनाए थे, औसत था 136 का और स्ट्राइक रेट 147 का। T20 वर्ल्ड कप में औसत और स्ट्राइक रेट के मामले में ये उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हाँ, 2021 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला रूठ गया था, 5 मैचों में कुल जमा 68 रन ही बने थे। पिछले वर्ल्ड कप में किंग कोहली के विराट रूप की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। इस IPL में आपने उनका प्रचंड फॉर्म देखा है, कहां तो RCB मैच दर मैच हारती रही, कहां विराट अकेले लड़ते रहे और बढ़ते रहे। इसके बावजूद विराट के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठते हैं। लोग कभी दबी जुबान में तो कभी बुलंद आवाज में कहते हैं कि विराट रन तो बनाते हैं, लेकिन रनों की रवानी कहां है। जवाब अगरकर ने दिया है। आप पर जब सवाल उठते हैं तो आप उनका जवाब देने के लिए अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर जाते हैं। कभी सवाल विराट की स्किल को लेकर नहीं था, सवाल यह था कि क्या वो T20 में ऐसी क्रिकेट खेल सकते हैं जहां पर रिस्क भी हो और रिवॉर्ड भी हो, क्योंकि विराट रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर थे। एक जमाने में वो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 बिना रिस्क के खेलते थे, रन भी आते थे, कामयाबी मिलती थी। लेकिन अब विराट जैसे खिलाड़ी से ही आप ये उम्मीद करते हैं कि बड़ी टूर्नामेंट में भारत को पहले तो फाइनल तक का कैंपेन और उसके बाद फाइनल में जिताने का मादा रखें। अब इस IPL में आपने देखा कि विराट ने स्पिनर्स को अटैक किया, खास तौर से लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जिस तरह से टांग रख के उन्होंने मिड विकेट के ऊपर दोबारा से वो शॉट खेलना शुरू किया। इससे कम से कम ये होगा कि स्पिनर उनके खिलाफ बॉल डालने से डरेगा। विराट से उम्मीद भी है और विराट भी इस बात को जानते हैं, शायद ये अहम की लड़ाई भी है। कभी भी सवाल उनकी स्किल को लेकर नहीं था, लेकिन अब भारत विराट से ही उम्मीद करता है
कि वो रन भी बनाए और उस अंदाज में बनाए जहां बाकी खिलाड़ियों की भी मदद हो पाए। बड़ी टूर्नामेंट में बड़ा खिलाड़ी जब जाता है तो सामने वाली टीमें डरती भी हैं, और विराट के पास वो रुतबा है। विराट भी जानते हैं कि भारत 2007 वर्ल्ड टी20 के बाद एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। विराट ये भी जानते हैं कि पिछले 11 साल से भारत इंतजार कर रहा है एक आईसीसी ट्रॉफी का। शायद विराट का अच्छा वर्ल्ड कप आया तो भारत का भी अच्छा वर्ल्ड कप आ ही जाएगा। अगर आप इस कहानी तभी आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता सर की जो स्पेशल रिपोर्ट में उन्होंने विराट कोहली के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि विराट कोहली एक ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली का जो स्ट्राइकर का मसला था वो डेफिनेटली इस टी20 वर्ल्ड कप में वो दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम इस समय काफ़ी प्रबल दावेदार है वेस्टइंडीज़ और अमेरिका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। अब यहाँ से शायद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करने मिले या ना मिले, लेकिन विराट कोहली जिस तरह के बल्लेबाज हैं ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है और किस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं। और जिस तरह से विक्रांत गुप्ता सर ने अपने इस रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट के अंदर बोला कि विराट कोहली खुद भी जानते हैं कि भारतीय टीम ने 2007 के बाद कोई वर्ल्ड कप की जो टी20 फॉर्मेट में होता है उसकी ट्रॉफी नहीं उठा पाए। हाँ, सेमीफाइनल और फाइनल तक वो गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के हाथ निराशा ज़रूर लगी है। और मेजर ट्रॉफी की अगर बात करें तो 11 साल से भारतीय टीम ने कोई भी ट्रॉफी नहीं उठाई। एक लास्ट ट्रॉफी जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो 2013 में भारत ने जीता था। वर्ल्ड कप भी भारत ने इस बार का 2015 का वो भी गंवाया है। अब यहाँ से देखना ये होगा कि विराट कोहली किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और अपने टीम को एक सेफ जोन में पहुँचाते हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी का कभी भी ये नहीं था कि उनकी बल्लेबाजी कभी भी ख़राब थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है उनकी बल्लेबाजी में हमेशा से ही एक टेम्परामेंट देखा गया है। उनका क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जो लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनका स्ट्राइकर का मसला है, लेकिन जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं हाल फिलहाल में ही में जिस तरह से विराट कोहली ने आईपीएल में बल्लेबाजी की है और जिस स्ट्राइकर से पावर प्ले में बल्लेबाजी की है, हो सकता है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करे तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली गेम को चलाना भी जानते हैं और अच्छे स्ट्राइकर से बल्लेबाजी भी करना चाहते हैं। अगर उन्हें रोहित शर्मा के साथ से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो काफ़ी मदद होगी। अब यहां से देखना ये होगा कि क्या भारतीय टीम जो वेस्टइंडीज़ और अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप को जीतने में कितना योगदान विराट कोहली देते हैं, क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज वो हैं डेफिनेटली उनसे काफ़ी उम्मीदें टीम को भी होंगी, और जिस तरह से फॉर्म से आए हैं उसके चलते उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में जगह भी मिली है, इसके चलते वो अच्छा बल्लेबाजी कर डेफिनेटली इस बार का टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जिताने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपकी क्या राय है, क्या विराट कोहली क्या इस वर्ल्ड कप में एक बेहतर स्ट्राइकर से अच्छा बल्लेबाज बन के उभरेंगे और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेंगे? आप क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।